वेलकम एवरीवन टू माय एजुकेशनल चैनल एचएस स्टडी पॉइंट। दर्शक बंधु मैंने जेटी एग्जाम लगे आम क्लास आरंभ कर दीचु। गत काली जेटी रा पेडागोजी रा अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट रा प्रथम क्लास हो सारी। आज इंग्लीश पेडागोजी रा आम फर्स्ट क्लास करवा। चैप्टर ना है लर्निंग इंग्लीश एट द एलिमेंटरी लेवल। दर्शक बंधु मैंने आम जेटी पाई सब सिलेबस कवर करूँ। टोटाली जितेक सब्जेक्ट अच्छी सब सब्जेक्ट रु विषय पढ़ेबू। या सहित एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्राक्टिस करूँ। आपण मानक एग्जाम 100% प्रिपेरेसन करूँ। ये आम आपण मानक केवल गोटे जिनस चाहूँ अधिक रु अधिक पिला सहित सेयार करूँ। इमें अधिक रु अधिक पिला आम मान सहित यादव आम आग्रह आसो आम विषय टी आहरी खुशी सह आग्रह सह पढ़ेबु। ये अनुरोध आपण मानकर साथी मैंने जो मैंने जेटी एग्जाम सी एच टी एग्जाम कि ओटीटी एग्जाम देते आपण मैंने से सहित वीडियो टी शेयर करूँ। अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करूँ। वीडियो को शेयर करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ। धन्यवाद। बेसी समय नष्ट नक चलत पढ़ा आरम्भ करवा। फास्ट विषय पढ़ा लर्निंग इंग्लीश आट दि एलिमेंटरी लेवल। यहाँ हूँ इंग्लीश पेडागोजी। एम फास्ट पढ़ा लांगुएज विषय। आम जानते जो लांगुएज प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ बिकज मैन इज ए सोशल एनिमल। मनीष हूँ गोटे सामाजिक प्राणी। तेणु मनीष क्षेत्र में भाषार भूमिका बहुत गुड़े अच्छी। से मनर इच्छा हो जहाँ भी अनुभव करुच्ची ता भावना ता सबकि वर्णना करने गोटे मध्यम खोजता है गोटे मीडियम खोजता है। मनुष्य जो प्रथम यहाँ मनर भाव को प्रकाश करने मीडियम खोजते से मीडियमटा थी गेस्चर सिग्नल एंड फिजिकल एक्शन। यार अर्थ कौन विभिन्न प्रकार सिंबलाइज द्वारा विभिन्न प्रकार ठार द्वारा से लोक मान सहित भावर आदान प्रदान करुला। परवर्त समय ठार बदली यहाँ बदली गला ड्रईंग या पिक्चर में विभिन्न प्रकार चित्र द्वारा से भावर आदान प्रदान कले। परवर्त समय ये चित्र सृष्टि कला शब्द व भाषा एवं एम मान भाषा आसला अर्थात तापर कथा कथबार्ता पर जाकि भाषा सृष्टि स्क्रिप्ट लिपि या। ओके वर्ल्ड लैंग्वेज हाज नॉट बीन सफिशिएंट फॉर मैन व्हेन ही हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किंतु परवर्ती समय मनुष्य जो गोटे स्थान रू अन्य स्थान को गमनागमन कला से क्षेत्र से देखला जे गोटे भाषा सफिशिएंट नुह से लगे बाध्य अधिक रु अधिक भाषा शिखापी एक रु अधिक भाषा शिखापी। लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न एट ए टेंडर एज सो दे थ्री और फोर लैंग्वेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड टू ए चाइल्ड एट दिस एलिमेंटरी लेवल फ्रॉम क्लास आई टू ट्रिपल आई इंग्लीश इज इंट्रोड्यूस्ड। अर्थात जेहेतु पिलामानंकर छोट बले शिखिवार शक्ति अधिक तेणु से ही समय अधिक रु अधिक भाषा प्रायत आम मान शिक्षा व्यवस्था तीन रु चार भाषा को इंट्रोडक्शन कराऊँ। यहाँ प्रथम और तृतीय श्रेणी भितर इंग्लीश को इंट्रोडक्शन कराऊँ जहाँ को सेकेंड लांगुएज हिसाब से ग्रहण कराई। नेक्स्ट देखा इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लीश। इंग्लीश पढ़वार कौन गुरुत्वपूर्ण अच्छी कौन गुरुत्व अच्छे। इंग्लीश लैंग्वेज इंपोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन एट द सेम टाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड लैंग्वेज। प्रथम कथा हूँ इंटरनेशनल लेवल देखिए आम अधिक रु अधिक लोक मैंने लैंग्वेज को रिसीव करसेप्ट करेंगे इंग्लीश आवश्यकता अच्छी इंटरनेशनाली। और सेकेंड पॉइंट हूँ आम इंडिया क्षेत्र देखा पॉलिटिकल रीजन लगे इंग्लीश लैंग्वेज आवश्यकता अच्छी। बर्तमान पढ़ा इंटरनेशनल इंपोर्टेंस कौन। इंग्लीश दुईटा इंपोर्टेंस अच्छी गोटे इंटरनेशनल गोटे हूँ नेशनल इंपोर्टेंस। बर्तमान पढ़े इंटरनेशनल इंपोर्टेंस मैंने अंतर्जात स्तर में कौन इंग्लीश आवश्यकता रही है। प्रथम हूँ इंग्लीश इज ए विंडो टू दि वर्ल्ड अर्थात सारा विश्व सहित आपड़ी कम्युनिकेट करा चाहिए से आपको इंग्लीश लांगुएज जानवाक पड़ो कारण विश्वर अधिकांश देश में इंग्लीश हूँ से लांगुएज। इंग्लीश इज दि इंपोर्टेंट लाइब्रेरी लांगुएज। लाइब्रेरी लांगुएज कह अर्थ होमर जिते प्रकार सब इनभेनसन डिस्कवरी जहाँ सब बड़ बड़ पुस्तक सब देखुं सबकि इंग्लीश लिखाई है तेणु इंग्लीश को आम लाइब्रेरी लांगुएज भी। नेक्स्ट हूँ कौन ना इंग्लीश इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल लैंग्वेज हूँ इंग्लीश तेणु इंग्लीश गुरुत्व तो निहती भाव अच्छी। इंग्लीश एज रिच लिटरेरी हेरिटेज तार अर्थ हूँ कौन इंग्लीश भाषा बहुत गुड़े काव्य कविता बड़ बड़ सब लिखाई है तेणु आर लिटरेसी हेरिटेज रही है। यहाँ इंपोर्टेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जेहतु ग्लोबलाइजेशन मैंने कौन सारा विश्व एक है सब देशर ए देशर बेपारी मैंने से देशर बेपारी करी तेणु इंग्लीश गुरुत्वटा बढ़ी गोटे देशर अगर देश को आम जो कारबार करा जाए इंग्लीश भाषा तो हमको निहती जाना पड़ो कारण मैक्सीम देश में इंग्लीश को एक्सेप्ट कराई। एंड इट हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी अन्य लैंग्वेज पढ़ापे अनेक गुड़े
ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମାତ୍ର 26 ଲେଟର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଅଥବା ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ସୋ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜେଟିର ଇଂଲିଶ ପିଡ଼ାଗୋଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଣି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।